अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। शाम का वक्त है, चिल वेदर है और पकोड़े खाने का मन है, और पकोड़े अगर फिश के हों तो क्या ही बात है। तो चलिए आज फिश के पकोड़े ना बना ले हम। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में मज़ेदार, डिलीशियस। तो चलें इसको करते हैं ट्राई। चलिए मैं आपके साथ इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर कर लेती हूँ। हाफ के जी मैंने फ्रोज़न फिश ले ली है और ये बोनलेस है। एक लिया है एग और ये थोड़ा सा बेसन है, हाफ कप है इसको फ्राई करने के लिए, और बाकी ये मसाले आपके सामने हैं। सबसे पहले हम फिश को कटिंग कर लेंगे थिन और लॉन्ग स्लाइसेस में। अब हम सारे मसालों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और उसकी एक पेस्ट बना लेंगे, और इसमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा नमक भी हम ऐड कर देंगे। ये देखें, ये हमारा बड़ा अच्छा सा एक पेस्ट बन गया, और अब हम फिश को इसी पेस्ट से मैरिनेट कर देंगे। लेमन जूस ऐड करके हम इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट पे रख देंगे। चलें अब हम फिश की कोटिंग कर लेते हैं एग और बेसन से। बेसन में मैंने एक दो चुटकी नमक और एक दो चुटकी रेड चिली पाउडर ऐड किया था। फिश की कोटिंग के बाद हम इसको रेस्ट पे रखेंगे 10 मिनट के लिए फ्रिज में। वाओ, कितनी मज़े की सिजलिंग सी साउंड आ रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है ईच साइड। चलें जी, फिश हो चुकी हमारी रेडी, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। वाओ, कितनी मज़े की लग रही है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसका गोल्डन गोल्डन कलर मुझे बहुत अपील कर रहा है। Let's take a bite of it. Very crispy and delicious. चलिए जल्दी से जाइए और इस क्विक एंड ईजी रेसिपी को ट्राई कीजिए, और अपनी चिल्ड इवनिंग को फिश पकौड़ों के साथ इंजॉय करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।